Assalamualaikum, I hope आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि क्लाइंट के साथ वन टू वन लाइव कॉल मीटिंग क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कि आप टेक्स्ट पे क्लाइंट के साथ बात करें। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं और वो आपके इनबॉक्स में आता है तो आपको चाहिए उसको फौरन से, अगर वो एग्री है, उसे आप क्वेश्चनली पूछ सकते हैं कि कैन वी हैव अ क्विक डिस्कशन ओवर अ क्विक कॉल। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे? इसका फायदा ये होगा कि जब वो कॉल के ऊपर आएगा तो आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकोगे, आप उससे उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकोगे कि अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली ऐड कर लें व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी सोशल हैंडल के ऊपर, ताकि क्विकली कम्युनिकेशन हो सके और फ्यूचर के अंदर कोई भी इशू हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊँ विद इन सेकेंड्स। ओके, तो ये सारी चीज़। दूसरी चीज़, टेक्स्ट के ऊपर अपनी बात समझाना ओवर कॉल के ऊपर अपनी बात समझाना ज़्यादा मैटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि क्लाइंट जब आपके सामने वन टू वन बैठा होता है तो आप जो है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है कि ये इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरे सामने वन टू वन बैठ के मुझे समझा रहा है ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी और इस तरह से ये करके देगा। इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंट है, ये कोई घोस्ट बंदा नहीं है जो कि हो सकता है कोई और बंदा बात कर रहा हो इसकी बजाय, तो उसको आपकी लेजिटलेसनेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है, वो पता चल जाती है कि ये बंदा क्रेडिबल है और स्किलफुल बंदा है और मेरे साथ वन टू वन मेरे प्रोजेक्ट के अबाउट डिस्कस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें बोलना नहीं आता, तो आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए बोलने के लिए। स्टार्टिंग के अंदर एक दो मीटिंग्स के अंदर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद लिटरली नो ग्रामर एट ऑल, कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होने वाली, आपको सिंपल आज स्मूथली आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर लोगे। अगर आपको इज एम आर ही शी इट वाज विल का पता है तो दैट्स इनफ, आप आराम से अच्छे तरीके से क्लाइंट के साथ कॉल पे कम्युनिकेशन कर सकेंगे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो कोशिश करें कि अपना कैमरा जो है लैपटॉप का या मोबाइल का वो ऑन रखें और एक अच्छी सी जगह पे बैठें, अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठें। क्लाइंट का कैमरा ऑन हो ना हो बट आपका होना चाहिए ताकि क्लाइंट को आप कॉन्फिडेंट लगो कि ये बंदा बिल्कुल फेस टू फेस आके मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो वो एक कॉन्फिडेंट पॉइंट होता है, साइकोलॉजी जो है वो ट्रिगर होती है इससे और क्लाइंट जो है वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किन बातों का ख्याल रखना और लाइव कॉल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।